दो। रोमी भागो यहाँ से, वो आत्मा की पकड़ में आ चुकी है। तुम्हें जाना है तो जाओ, वो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं। आदर्श, स्वरा, राधिका और रोमी चारों कजिन भाई बहन थे। चारों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। वे लोग साथ में जितनी मस्ती करते थे, काम भी उतने ही अच्छे से करते थे। राधिका और रोमी गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। एक दिन न्यूज़पेपर में पास वाले शहर में सिंगिंग आइडल का ऑडिशन होने वाला था। ये बात सुनकर स्वरा बहुत खुश हुई और भागते हुए राधिका के पास पहुंची। राधिका, देख तेरे लिए खुशखबरी है, पास के ही शहर में सिंगिंग आइडल कॉम्पिटिशन है। तू और रोमी जाकर ना ऑडिशन दे दो। ये तो अच्छी बात है, और रोमी भी साथ रहेगा तो पापा जाने से मना भी नहीं करेंगे। सिर्फ रोमी ही क्यों, हम लोग भी तेरे साथ चलेंगे। सिंगिंग आइडल की बात सुनकर दोनों भागते हुए राधिका के घर में जाती है। ओए की बात है कुड़िये, पूरे घर को सिर पे क्यों उठा रखा है? कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया तेरे? ये देखो न्यूज़पेपर, सिंगिंग आइडल के ऑडिशन के बारे में नोटिस आया है। हाँ चाची, और मैं चाहती हूँ कि रोमी और राधिका उस ऑडिशन में जाएं। आखिर दोनों कितना अच्छा गाते हैं। स्वरा के मुंह से गाने बजाने की बात सुनकर गुरप्रीत नाराज हो जाता है और स्वरा के हाथ से न्यूज़पेपर लेकर फाड़ देता है। देख बेटा, इतनी खेती किसानी है, हैं? और वो इन दोनों भाइयों ने संभालनी है, और तुम दोनों अपनी माओ के साथ घर में रह के काम काज सीखो, और ये गाना बजाना ना भले घर के बच्चों के लिए नहीं होता, ठीक है? तो आज के बाद ना उसके बारे में तुम सोचना भी मत। और मुझसे तो इस बारे में बात भी कर ली, लेकिन ना भाई साहब से करना भी नहीं, भाई साहब किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, समझ रही हो तुम? गुरप्रीत के नाराज हो जाने से सभी लोग अपने अपने काम में दोबारा लग जाते हैं। चारों भाई बहन वहीं रुक जाते हैं। कोई और रास्ता ढूंढते हैं, मगर तुम लोगों को ऑडिशन दिलवा कर रहेंगे। चारों उसी कमरे में घूम घूम कर कोई आइडिया सोच रहे थे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक आदर्श के दिमाग में कुछ आया। एक मस्त आइडिया है, ऑडिशन सोमवार को है, रविवार की रात को हम लोग घर से बहाना बनाकर निकलेंगे। स्वरा और रोमी, तुम कहना कि तुम हमारे घर में आ रहे हो, और हम कहेंगे कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, और रात को वहीं रुकेंगे। मगर हम लोग रात की बस से शहर निकलेंगे, सुबह सुबह शहर पहुंचकर ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। हमारे घर वाले सोचेंगे कि हम तुम्हारे घर हैं, और तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि तुम हमारे घर हो। एक बार ऑडिशन देकर आ जाएंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अमावस्या की रात को दोनों बहनें तेजी से चलती हुई कहीं जा रही थी। दूर दूर तक अंधेरा था, फिर भी वे दोनों इस तरह छुपते हुए चल रही थी मानो कोई उन्हें देख ना ले। राधिका जल्दी जल्दी चल, इससे पहले कि हमारे घर वालों को पता चले हमें यहाँ से निकलना होगा। गांव के बस स्टैंड पर रोमी और आदर्श हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। शहर जाने वाली आखिरी बस जाने का समय हो गया है, यदि वो बस निकल गई तो तुझे पता है ना? कहते हुए स्वरा की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी ही तो चल रहे हैं, और ज्यादा जल्दी थी तो तुझे घर से जल्दी निकलना था। तेरे घर के बाहर ही करीब 15 मिनट तेरा इंतजार करती रही मैं। तुझे क्या लगता है कि घर से निकलना इतना आसान था? कितने बहाने बनाए तब जाकर तेरे घर आने की परमिशन मिली है। यदि कह देती कि रात की बस से शहर जा रहे हैं कल के ऑडिशन के लिए, तो पापा कभी हाँ नहीं करते। दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां पर आदर्श और रोमी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीदी, आप लोगों ने कितनी देर लगा दी, बस अभी अभी निकल गई। अब हम लोगों को वापस घर जाना होगा, सुबह जल्दी पहली बस से शहर निकलेंगे। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर इंतजार करेंगे और सुबह पहले बस से निकल जाएंगे। स्वरा, पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ पर रुकना मतलब तुझे पता है ना? मुझे पता है, सब लोग इस बस स्टैंड को भूतिया बस स्टैंड कहते हैं, तभी रात में बस नहीं चलती। मगर हम चारों साथ हैं तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। स्वरा के कहने पर चारों वहीं चेयर पर बैठ सुबह होने का इंतजार करने लगे। ठंडी हवा उन लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। दूर दो बिल्लियां आपस में लड़कर जोर जोर से शोर मचा रही थी। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। वैसे ही अंधेरे के कारण यहाँ बैठे बैठे डर लग रहा है, और ये बिल्ली और कुत्ते हैं कि चैन नहीं ले रहे। लगता है पूरा मातम आज ही मना लेंगे। आदर्श, मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे ही ये हॉन्टेड बस स्टैंड है, और ये सारी घटनाएं। चुपचाप बैठी रहे, तेरे लिए ही तो हम लोग शहर जा रहे हैं, और तू ही डर रही है। राधिका को डांट रही स्वरा की नजर अचानक एक बस के ऊपर पड़ी जो बस स्टैंड की ओर आ रही थी। ले तो खामखा डर रही थी, बस आ रही है, हम लोग इस बस में बैठकर शहर के लिए निकल जाएंगे, फिर तो तुझे इस हॉन्टेड बस स्टैंड पर डर नहीं लगेगा ना। शहर की ओर जाने वाली आखिरी बस तो जा चुकी है,
तो फिर ये बस कौन सी है? हो सकता है ये कोई नई बस हो और हमें पता ना हो। चलो चलो जल्दी से चलकर बैठते हैं। चारों हाथ देकर बस को रुकवाते हैं और उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बस के अंदर कुछ अलग सा माहौल था। अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अजीब सी बदबू भी आ रही थी और बहुत ही ठंडक थी, जिसके कारण चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्वरा ने इशारे से सबको बैठने को बोला। सोरा उन लोगों को हिम्मत तो दे रही थी मगर खुद भी डरी हुई थी। राधिका का हाथ पकड़े वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। कहते हैं ना, मुसीबत में बुद्धि घूम जाती है। कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। उसे हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रही थी। वो बस भगवान का नाम लेने लगी। बस चलने तो लगी मगर वहां के माहौल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तभी अचानक आदर्श के सामने बैठे हुए व्यक्ति ने अपनी गर्दन घुमाकर आदर्श से पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस तरह 360 डिग्री के एंगल में घूमी हुई गर्दन को देखकर आदर्श के मुंह से चीख निकल गई। आदर्श की चीख सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों की गर्दन उसी की ओर घूम गई। ये नजारा देख रोमी भी डर गया और अपनी सीट से खड़े होकर बस में पीछे जाने लगा। उसका पैर किसी चीज से टकराया और उसने उसे उठाकर देखा तो किसी इंसान की खोपड़ी थी। उसने उसे अपने हाथों से फेंक दिया। खोपड़ी के गिरते ही सामने एक बिना सिर का धड़ चला आ रहा था। उस धड़ ने अपने हाथों से खोपड़ी को उठाया और सिर की जगह लगाकर उसे पूरी तरह घुमा दिया और फिर धीरे धीरे आदर्श की ओर बढ़ने लगा। आदर्श भी डरते हुए अपनी सीट पे खड़ा हो गया। टिकट टिकट, कहाँ जाना है तुम लोगों को? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी बस का जोरदार एक्सीडेंट हुआ। तेज धमाके की आवाज से चारों भाई बहन डर गए और एक साथ चीखने लगे। बस एक पेड़ से टकरा गई थी। स्वरा की सीट वाला कांच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उसके हाथों में चोट लगी थी। वो सीट इमरजेंसी एग्जिट था। उसने वहां से जगह बनाकर उन तीनों को बाहर निकाला और वो भी बाहर आने की कोशिश करने लगी। मगर बाहर का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। वो लोग उसी बस स्टैंड पर थे जहाँ से वो लोग इस बस में बैठे थे। अरे, हम लोग तो वापस गांव के बस स्टैंड ही पहुँच गए। ये बस इतनी दूर तक वापस वहीं पर कैसे आ सकती है? स्वरा के कहने पर सभी लोग उस जगह को देखने लगे। आदर्श ने आगे बढ़कर रोमी और राधिका का हाथ पकड़ लिया। स्वरा अभी भी बस में ही थी। रोमी ने हाथ बढ़ाकर उसे बस से बाहर निकाला तो वो चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। रोमी भागो यहाँ से, वो आत्मा की पकड़ में आ चुकी है। तुम्हें जाना है तो जाओ, कुछ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं। रोमी भाग जा यहाँ से, जल्दी जा, आदर्श और राधिका को बचाना है तुझे। पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए रोमी हनुमान चालीसा करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो, कहते हुए रोमी आगे बढ़ रहा था। अचानक तेज धमाका हुआ और चारों बेहोश हो गए। अगले दिन पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था। भूतिया बस स्टैंड पर चार बच्चे मरे हुए मिले थे। डॉक्टर के हिसाब से उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी।